हाय एवरीवन, तो हमारे फैक्ट चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपने फैक्ट्स की स्टार्टिंग करते हैं। तो जो हमारा फैक्ट्स है, जिसके जो टॉपिक है हमारे फैक्ट्स का, वो है ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी के कुछ फैक्ट्सों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने फैक्ट नंबर वन की तरफ। फैक्ट नंबर वन है कि जो हमारा 1 टीस्पून सॉइल होता है ना, उसमें इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जितने हम लोग पूरी अर्थ पे जितने लोग लिविंग होंगे, मतलब जितने पीपल्स होंगे ह्यूमंस, उनसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं 1 टीस्पून सॉइल में। सो ये था हमारा फैक्ट नंबर वन। तो फैक्ट नंबर टू की तरफ चलते हैं। तो फैक्ट नंबर टू है, आप ये जान के शायद थोड़ा हैरान भी हो जाएंगे कि 60 सेकेंड्स टाइम, आपने सुना होगा, ये आया कहाँ से? 60 सेकेंड्स आया है जब हमारा जो सिंगल ह्यूमन ब्लड सेल होता है वो पूरी बॉडी का कंप्लीट सर्किट लेता है, यानी कि पूरा राउंड ले लेता है, तब जो वो टाइम हो रहा था वो था 60 सेकेंड्स। तो हमने 1 मिनट को 60 सेकेंड्स यहाँ से लिया। तो अब चलते हैं अपने फैक्ट नंबर थ्री की तरफ। जानते होंगे आप सब लोग कि हम सभी के पास 3 किडनी होती है, मतलब 2 किडनी होती है, सॉरी। सो उन 2 में से अगर आपके पास 1 भी है तो भी आप जिंदा रह सकते हैं, यानी कि अगर आपकी 1 किडनी फेल हो जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भी आप 1 किडनी पे जिंदा रह सकते हैं। सो चलते हैं अब अपने फैक्ट नंबर 4 की तरफ। तो फैक्ट नंबर 4 है, जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है, अब आप सोचते होंगे कि ह्यूमन एम्ब्रियो की जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं वो कब निकलती हों, मतलब कितने टाइम बाद उसकी फिंगरप्रिंट्स एक्वायर करती होंगी। सो इसका आंसर है 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स ऑफ कंसेप्शन उसकी फिंगरप्रिंट्स जो होती हैं वो एक्वायर करने लग जाती हैं। तो ये फैक्ट नंबर 4 आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो अब चलते हैं हम अपने फैक्ट नंबर 5 की तरफ। ये जान के आप थोड़ा शॉक भी हो सकते हैं कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, वही हमारी बॉडी को खाने लग जाते हैं हमारी डेथ के 3 दिन के अंदर अंदर। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 दिन के अंदर अंदर आपके जो एंजाइम्स होंगे, जो आपके ज़िंदा रहने पे आपके फूड को डाइजेस्ट होने में मदद कर रहे थे, वही आपकी बॉडी को खाने लग जाएंगे आपकी डेथ के 3 दिन के अंदर अंदर। तो चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 6 की तरफ। जब हमें बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा होता है, जैसे कि अगर हम कभी हिल स्टेशन में चले गए या फिर बहुत ज़्यादा रेनी हो रही है तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कोल्ड लगता है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी ना एक एक्सरसाइज हार्मोन रिलीज करती है जो होती है इरिसिन। तो अगर इसे स्पेल करें तो RIRISIN, जो कि हमारी बॉडी को इनकरेज करता है कि जो फैट होता है उसको हीट में कन्वर्ट कर दे, यानी कि जो हमारे बॉडी का फैट होगा उसे थोड़ी हीट में कन्वर्ट कर देता है, तब उसकी वजह से हमारा जो कोल्ड होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो फैक्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ह्यूमन टीथ आर जस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज शार्क टीथ। शार्क को तो आपने देखा ही होगा, जो कि पूरे ह्यूमन को भी खा जाती है और पता भी नहीं चलता। तो जो ह्यूमन के टीथ होते हैं और जो शार्क के टीथ होते हैं वो एकदम बराबर स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि अगर हम एप्पल खाने की सिर्फ पावर रखते हैं तो शार्क के टीथ भी सिर्फ एप्पल खाने की पावर रखते हैं, यानी कि अगर आपके दांत जितने भी स्ट्रॉन्ग हो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शार्क के भी टीथ होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 8 की तरफ। फैक्ट नंबर 8 है, जो हमारी बोन मैरो है, बोन मैरो सभी के पास होती है, आप शायद जानते भी होंगे, तो जो वो बोन मैरो होती है वो 260 बिलियन रेड ब्लड सेल और 135 बिलियन वाइट ब्लड सेल पर डे प्रोड्यूस करती है, यानी कि हमारी बोन मैरो इतने ज़्यादा बिलियन रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस कर रही है ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है, मतलब हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि जब ब्लड सेल्स होंगे तभी तो ब्लड सर्कुलेशन हो पाएगा। तो चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 9 की तरफ। स्किन इज़ द बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन। ये तो हम सभी जानते हैं कि स्किन जो है वही हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो हर जगह मिलता है, मतलब आउटर लेयर हमारी पूरी उसी चीज़ से बनी है। मगर शायद आपको ये ना पता हो कि जो हमारी बॉडी का टोटल वेट होता है उसमें से 15% वेट सिर्फ हमारी स्किन का ही होता है। तो अब पढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 10 की तरफ। द सेटिस्फाइंग साउंड ऑफ क्रैकिंग, यानी कि आपने सुना होगा जब आप बहुत देर खड़े हुए हो और एकदम से बैठ जाओ तो एक क्रैकिंग साउंड आता है, जो उस टाइप का क्रैकिंग साउंड्स होता है वो आता कहाँ से है? जो हमारे बॉडी के अंदर गैस बबल्स होते हैं ना, वो बर्स्ट करते हैं हमारे जॉइंट्स में, तो जैसे वो बर्स्ट करते हैं तो इस टाइप का क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है।
जो हमें सुनाई देता है, जैसे कि ज़्यादा सिटअप्स करते हैं हम तब भी हमारे साउंड आने लग जाता है थोड़ा बहुत। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपना वेट 150 कैलोरीज पर आवर लूज कर सकते हैं। जान के आपको थोड़ा सा डाउट भी होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट हाँ ये ट्रुथ है, ये भी एक फैक्ट है कि अगर हमें अपना वेट 150 कैलोरीज पर आवर की स्पीड में लूज करना है, सो अगर हम अपना हेड हिट करते हैं अगेंस्ट द वॉल, यानी कि अपना सर अगर दीवार में मारते हैं, तो इट्स रियली वर्किंग दैट 150 कैलोरीज वी विल लूज अ वेट पर आवर। सो अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे हों सो प्लीज़ लाइक करें।